नारायणा हेल्थ प्रबंधित SRCC बाल रुग्णालय द्वारा पीडियाट्रिक लीवर ट्रांसप्लांट पर चर्चा की गई। विश्व लीवर दिवस के अवसर पर नारायणा हेल्थ के प्रमुख डॉक्टरों ने बच्चों के लीवर स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए देश भर के मरीजों के माता पिता के साथ मिलकर विशेष चर्चा का आयोजन किया। बता दें कि मुंबई 18 अप्रैल 2022 विश्व लीवर दिवस पर NHSRCC अस्पताल ने इस अवसर का जश्न मनाने के लिए अस्पताल में लीवर प्रत्यारोपण कराने वाले बच्चों को आमंत्रित किया। लीवर ट्रांसप्लांट में अग्रणी रहे शीर्ष डॉक्टर इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। माता पिता और डॉक्टरों के बीच संवादात्मक सत्र में बाल चिकित्सा, यकृत प्रत्यारोपण, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग और उपचार के संबंधित प्रगति तथा समकालीन मुद्दों पर चर्चा का केंद्र था। चिकित्सीय ट्रांसप्लांट के बाद होने वाली जख्म, जीवित दाता और प्राप्तकर्ताओं के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार कैसे करें, इस पर इस समय चर्चा की गई। प्रमुख विशेषज्ञों ने लीवर स्वास्थ्य से संबंधित माता पिता के प्रश्नों को संबोधन किया। सत्र में देश भर से 12 लीवर प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताओं ने भाग लिया, जिनमें से ज्यादातर असम, सूरत और मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से थे। ये बच्चे 6 महीने से 16 साल की उम्र के थे, जिनमें सबसे छोटा बच्चा बेबी जोहान था जो लगभग 6 महीने का था। इन्हें NHSRCC के डॉक्टरों द्वारा जीवन का एक नया पाठ दिया गया, जिन्होंने उनके गंभीर जटिलताओं पर इलाज किया था। Dr. Sanjay Goja, Director and Clinical Lead, Liver Transplantation and HPP Surgery, Narayana Health. Okay. Liver Day ka, the importance is to create an awareness logon mein ki liver donation safe hai, possible hai, or it life saving hai. It is like giving second life to a पर्सनल चाइल्ड। यहाँ पर क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल यहाँ पे है ये पीडियाट्रिक है, इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो लिवर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट्स इन द पीडियाट्रिक ग्रुप दे आर मच बेटर देन अडल्ट ग्रुप। वर्ल्ड वाइड द रिजल्ट्स आर 95%। इट इज़ लाइक गिविंग न्यू बर्थ टू चाइल्ड। सो द लिविंग डोनर हो या डिसीज डोनर हो, बहुत सेफ है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, उसको छोटा सा पार्ट ऑफ लिवर चाहिए होता है सस्टेन करने के लिए। तो जो लिवर का पार्ट है, जो डोनेशन है, वो ऑल द मोर सेफ हो जाता है लिविंग डोनर के लिए। सिमिलरली डिसीज डोनर के लिए, जो के लिए लिवर को, क्योंकि इतना बड़ा लिवर आता नहीं है बच्चे में, उसको स्प्लिट किया जाता है, तो जो लिवर निकलता है डिसीज डोनर, वो दो लोगों को लाइफ बचाता है, एक अडल्ट का, एक बच्चे का। सो लिवर डे के दिन इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट टू सेंड दिस मैसेज अक्रॉस कि प्लेज योर ऑर्गन्स एंड डोंट हेजिटेट फॉर लिविंग डोनेशन। इट इज सेफ, फिजिबल, और इसका जो रिजल्ट्स हैं डोनेशन के बाद, उनमें लाइफ में कोई भी उनको समस्या नहीं होती है फ्यूचर लाइफ में। दे कैरी ऑन विद देयर नॉर्मल लाइफ द डोनर्स एंड द उसके विद इन अ वीक अ डोनर गोज टू द नॉर्मल लाइफस्टाइल। और जो बच्चा है जिसका लिवर डिजीज है और इतना सिक है, उसको जब लिवर मिलता है विद इन फ्यू मंथ्स ओनली, आप देखेंगे जो हमने किए हैं इनके इनके पेरेंट्स से बताएंगे कि उनका लाइफस्टाइल ही कैसे चेंज हो गया, नॉर्मल हो गया, उनका ग्रोथ वापस आ जाता, उनका जो एनर्जी लेवल वो हाई आ जाता है। सर, न्यूबॉर्न्स में और कुछ महीने के बच्चों में लिवर डिजीज का पता कैसे चलता है? सबसे पहला जो सिम्टम होता है पीलिया हो जाता है। तो बच्चा जो होता है नॉर्मली
पैदा होने के बाद कई कबार फिजोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, लेकिन कई जो कभी कभार जॉन्डिस जो है परसिस्ट करता है, और जब हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं पता लगता है कि इनको कुछ डिजीज़ है लिवर की, जिसकी वजह से परसिस्टेंट जॉन्डिस है। जो सबसे पहला साइन जो बच्चे में होता है वो जॉन्डिस का है, पीलिया होना। उसके साथ अगर थोड़े और हो जाए दिन में तो ग्रोथ फेलियर भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रहा है। ये दो जो सिम्टम और साइन होते हैं ये इंडायरेक्टली बताते हैं कि बच्चे को लिवर डिजीज़ है। सर, ग्रोथ फेलियर जब बोलते हैं तो आप इसका मतलब अंडरवेट रहते हैं, एपेटाइट कम रहता है या डाइजेशन प्रॉब्लम? हाँ, ये सब मेरा उसके साथ में, अगर आप उनको देखोगे उनकी जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं, पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकला होता है, पेट में पानी हो जाता है और ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है। वो जो उनके जो एज के हिसाब से जितना लेंथ और वेट होना चाहिए, कई कबार वेट तो उतना होता है लेकिन वो पानी की वजह से होता है, लेकिन मेजॉरिटी में क्या होता है वेट कम हो जाता है, ये ग्रोथ फेलियर। सर, बच्चे के लिए डोनर का कैसे पता चलता है? बच्चे के लिए वो यूजुअली जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के लिए, मैंने जो पहले भी बताया कि बच्चे को सस्टेन के लिए छोटा सा होता है, उनको छोटा पीस ऑफ लिवर चाहिए होता है। हमारे जो लिवर होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक दाहिना हिस्सा होता है, बाहिना हिस्सा है। जो लेफ्ट साइडेड होता है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सट्रीम लेफ्ट साइड होता है जिसको लेफ्ट लैटरल बोलते हैं। बच्चों में वही पार्ट चाहिए होता है, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट लैटरल, और इसीलिए जो डोनर होता है उसको वो डोनेट करने में कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि वो अगले दिन ही नॉर्मल हो जाता है डोनर। और वो जो छोटा पीस है कई बार उसको भी छोटा करना पड़ता है हमें, क्योंकि वो पेट छोटा होता है, साइज छोटा होता है। ये जो लिवर का साइज चाहिए होता है ये इस पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द चाइल्ड कितना है और उसका एब्डोमिनल साइज कितना है, वो लिवर फिट होना है। कि वो बड़ा साइज नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से क्या होता है वो वर्क नहीं करता है, उसके जो खून की सप्लाई होती है वो बंद हो जाती है, इसलिए वो अप्रोप्रिएट छोटा साइज एब्डोमिनल साइज के हिसाब से उसमें आना चाहिए। सर, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद एक जिस बच्चे को आपने ट्रांसप्लांट किया है उसकी लाइफ कैसी रहती है? आपके सामने है जो आप देख रहे हो, ये हमने यहाँ पर 28 जून 2021 को शुरू किया था लिवर ट्रांसप्लांट, और पिछले 9 महीने में ही 12 ट्रांसप्लांट हुए हैं। ऑल हैव बीन सक्सेसफुल एंड यू कैन सी विथ योर ओन आई हाउ दे हैव बीन, इनका ग्रोथ अच्छा होता है, देयर ग्लो कम्स ऑन द फेस, दैट वो जो प्रोट्रूबरेंस ऑफ एब्डोमेन, सेंस ऑफ वेलबींग। और उससे पहले जो पेरेंट्स होते हैं, आई मीन इट इज़ वर्थ सीइंग कि किसी का बच्चा बहुत सिक है, ही इज़ गोइंग हॉस्पिटल हियर एंड देयर, और फिर अपने बच्चे को देखना कि वो नॉर्मल है, दैट फीलिंग इन द पेरेंट्स, वो जो सेंस ऑफ वेल बीइंग, जो एक बच्चे को देखना है कि नॉर्मल ग्रो कर रहा है, ही इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन, जैसे नॉर्मल है, ही कैन गो टू स्कूल, ही कैन रिज्यूम टू ऑल एक्टिविटीज़। और जैसे मैंने आपको बताया है वर्ल्ड वाइड जो बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट हैं, द सक्सेस रेट इज़ मोर देन 95%, सो दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द लिवर ट्रांसप्लांट। तो इट इन इट सेल्फ इट सेज दैट बच्चे के लिए लिवर ट्रांसप्लांट मीन्स ए न्यू लाइफ। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम डॉक्टर ललित वर्मा है, मैं बच्चों का यकृत का डॉक्टर हूँ, जिसे हम पीडियाट्रिक हिपेटोलॉजिस्ट कहते हैं। मैं अटैच्ड हूँ नारायणा SRCC चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, जो कि एक डेडिकेटेड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है मुंबई या वेस्ट जोन में, एंड इट सर्व्स अ टर्शियरी लेवल ऑफ पर्पस, जहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा बोन मैरो एंड किडनी ट्रांसप्लांट भी होते हैं। सो इट्स लाइक अ कंप्लीट सेंटर, जिसे हम कहते हैं टर्शियरी केयर। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस ऑन दिस वर्ल्ड लीवर डे, जो हमारे लिए एक बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक यू नो डे है, एंड आई विल टेल यू व्हाई। सो आप देख सकते हैं मेरे बाजू में मिस्टर यज्ञेश एंड उनके डैड किरण बैठे हैं। बेसिकली यज्ञेश 8 साल का था जब उसे पेट में पानी भरना शुरू हो गया, उसकी आँखें पीली हो गई जिसे हम पीलिया कहते हैं, उसका वज़न कम हो गया, उसे भूख नहीं लग रही थी जिसे हम लॉस ऑफ एपिटाइट कहते हैं, एंड अचानक से ही उसका सेंसोरियम, जो हम बोलते हैं कि एक नॉर्मल वेल बींग, जो नॉर्मल बातें करना, वो सब उसने खो दिया। उसका कारण ये था कि उसको एक अंडरलाइंग लीवर डिजीज़ थी, जिसे हम कहते हैं विल्सन्स डिजीज़, जिसमें कॉपर या तांबा निकल नहीं सकता, क्योंकि कॉपर जो जिसका फंक्शनिंग है वो यकृत या लीवर का होता है,
कि वहाँ से हमारा कॉपर बाहर जाता है। जैसे ही यज्ञेश आया वो काफ़ी सिक था, हमने उसको 2 से 3 दिन ICU में रखा। इस दौरान हमने प्लानिंग स्टार्ट की बिकॉज उसे लीवर ट्रांसप्लांट लगने ही वाला था एंड दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। आपके पास टाइम कम होता है बट उसी टाइम में आपको पेशेंट को भी स्टेबल रखना है, साथ में आपको डोनर भी चुनना है। तो फादर हु इज़ वेरी ब्रेव, जो एक नेवी में काम करते हैं, वो आगे आए, मिस्टर किरण, एंड उनका सारा वर्कअप हमने 1 से 1.5 दिन में ही ख़त्म करके, डॉक्टर गोजा ने जैसे बताया, उनके हमारी एक 6 सर्जन्स की टीम है जिसे डॉक्टर गोजा लीड करते हैं, एंड वी डिड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव जॉब कि उसका ट्रांसप्लांट आने के 3 से 4 दिन में ही हो गया। क्योंकि ये एक एक्यूट लीवर फेलियर कंडीशन हम कहते हैं, इसे कहते हैं हम एक्यूट ऑन क्रोनिक, इसका मतलब उससे प्रॉब्लम पहले से रहा होगा लेकिन कभी कभी सिम्टम्स जो आते हैं बाद में आते हैं या कभी कभी मिस हो जाते हैं। तो विल्सन्स डिजीज ऐसी एक डिजीज़ है जिसमें कॉपर नहीं निकलने की तकलीफ होती है और कॉपर सारे लीवर को डैमेज कर देता है, कभी कभी वो ब्रेन में भी जा सकता है एंड कभी कभी आपको अकड़ियाँ आ सकती हैं, ट्रेमर्स आ सकते हैं, ये सारी कंप्लेंट्स होती है। तो ऐसे हमने 12 बच्चे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर लिए हैं। हमारा सबसे छोटा पेशेंट एक बच्ची है जो आसाम से आई है, अभी भी वो अभी वार्ड में है, आप उनसे मिलेंगे, एंड उसका भी ट्रांसप्लांट एकदम सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट 4 दिन में ही उसे ICU से शिफ्ट कर दिया गया है वार्ड में एंड 2 दिन के बाद उसका डिस्चार्ज है। सो एज डॉक्टर गोजा सेड, हमारे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज एक तो एक्सपीरियंस सर्जन टीम है जो बहुत ही आवश्यक चीज़ है, बिकॉज हर कोई ये इसमें माइक्रो मैनेजमेंट होता है, जैसे आपको एकदम लीवर का एकदम छोटा सा टुकड़ा लेके डोनर से लेकर रेसिपिएंट जिसका होना है उसमें फिट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एकदम माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे चलती है। फिर हमारा इंटेंसिव टीम काफ़ी अच्छा है, एनएससीजा जो बच्चों के एनएससीज हैं। सो ये कॉम्प्रिहेंसिव टीम जब साथ में आता है जिसे हम मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच कहते हैं, तभी सक्सेसफुल लीवर ट्रांसप्लांट या कोई भी मेजर सर्जरी हो सकती है, बिकॉज इस सर्जरी को 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो उस दौरान सारा कुछ सही होना चाहिए, उसके बाद सही होना चाहिए, ICU का कोर्स सही बैठना चाहिए एंड वार्ड में जब वो पेशेंट शिफ्ट हो उसके बाद फॉलोअप भी ढंग से होना चाहिए। तो वी लुक इनटू ऑल दिस एस्पेक्ट्स वेरी क्लोजली बिकॉज वी हैव अ वेरी एक्सपीरियंस टीम ट्रेन्ड ग्लोबली। ओके, मेरा नाम किरण विला शिंदे है, मैं यहाँ नेवी में जॉब करता हूँ और मेरे बच्चे का लीवर फेल हो गया था। मतलब पहले हम लोग बाहर में हॉस्पिटल में दिखाए थे, उन्होंने बताया कि आपके बच्चे का लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो फिर मुझे वहाँ से यहाँ भेज दिया SRCC हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे SRCC के जो दिल्ली सर है उन्होंने और बहुत सारे डॉक्टर थे, उनके कुछ नाम पता नहीं मुझे, तो वहाँ पे अच्छे से ट्रीट कर दिया और मेरा बच्चा मेरे सामने है, मेरी जान है ये। और लीवर आप जो भी कोई हो लीवर बेफिक्र डोनेट कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से लीवर मेरा डोनेट होने के बाद मैं 2 महीने के अंदर में जॉब में भी अपने ज्वाइन कर दिया हूँ और सेहत से तो मैं अभी पूरा स्ट्रांग हूँ। तो कोई जो बोलते हैं ना लोग कि लीवर देने से कोई पिताजी को प्रॉब्लम आते हैं आगे या फिर कोई अपने बच्चे को प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब बेफिक्र लीवर डोनर कीजिए, अगर मुझे बाई चांस कहीं ज़िंदगी में चांस मिले ना लीवर बाद में भी अगर डोनेट करना तो मैं फिर भी रेडी हो लीवर डोनेट के लिए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता। कि लोगों ने खाली वहम बना दिया है कि लीवर डोनेट करने वाला बचता नहीं है या फिर जिसको लीवर देते वो बचता नहीं है, उनकी उम्र कम होती है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 8 साल की उम्र में इनको लिवर का कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उससे पहले आपको इनके इसका लिवर का प्रॉब्लम पता नहीं चला? नहीं सर, क्योंकि मेरा बच्चा कभी बीमारी नहीं गिरा, तो इसकी वजह से हम लोग कभी उसको दिखाई नहीं, उसका हाइट बढ़ रहा था, ये सब हो रहा था। लेकिन अचानक से 19 तारीख था शायद सितंबर का, तो मेरे बच्चे में एक दिन अचानक से आकड़ी आना चालू हो गया और पेट थोड़ा फूलन हो गया था। तो मैंने वो मानपुर में एक लोकल डॉक्टर उनको दिखाया था कि सर ऐसे ऐसे, वो बोले कि एक्सरे निकाल दें हम लोग देखते क्या है। तो उन्होंने फिर बता दिया कि पेट में पानी हो गया और लीवर में सूजन आ गया, लिवर एनलार्जमेंट। हाँ, तो उसके बाद में मैंने उन्होंने जैसे बता दिया तो फिर मैंने वो बोले कि मैं सर इसको क्या करो, तो बोले कुछ नहीं 2-3 दिन एडमिट कर दो, पीलिया जैसा ये है, पीलिया है नॉर्मली बोले। अच्छा, इनको जॉन्डिस के लिए ट्रीट? हाँ, तो उन्होंने किया, लेकिन 3 दिन के बाद मुझे पता चला कि बच्चे में कुछ अच्छा ये नहीं हो रहा है, मतलब ग्रोथ नहीं हो रहा है बच्चा मेरा, उसे डाउन होता जा रहा है, पीला बच्चा ज़्यादा गिर गया, पेट में भी सूजन हो गया और उसका टॉयलेट भी मतलब इतना पूरा सेवेज जैसा निकलने लगा, यूरिन ब्लड जैसा निकलने लगा, तो मुझे डाउट लगा। तो फिर मैंने वहाँ उसको वहाँ से दूसरे एक जगह तेरना हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और तेरना ने मुझे एक सजेस्ट किया कि आप एक बार साइन में दिखा दीजिए, लेकिन साइन वालों ने भी बता दिया कि नहीं नहीं आप इसको ले लो। 3-4 हॉस्पिटल मैं 2-3 दिन के अंदर में 3-4 हॉस्पिटल एक गया, क्योंकि मेरे हिसाब से लीवर ट्रांसफर का थोड़ा बहुत खर्चा है, लेकिन क्या होता है बोलते हैं ना कि थोड़ा सजेशन लेने से अच्छा होता है। तो 2-3 दिन में मैं, लेकिन बाद में बच्चा ज़्यादा वीक होते गया तो फिर मैंने SRCC में आ गया, फिर उसमें अच्छा हो गया। हाँ, बच्चा सामने है, मैं भी हूँ, जॉब अभी जॉब जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आगे जाके काम नहीं हो पाता, ऑपरेशन वाला बंदा काम नहीं करता, मैं आराम से अभी 60-70 के जो वेट कैसे भी उठा सकता हूँ,
तो ये है, ऐसे नॉर्मल है, तो कोई इशू नहीं है। तो डॉक्टर लोगों ने बहुत सपोर्ट किया SRCC हॉस्पिटल ने, और लीवर डोनर हो गया मेरा, बच्चे का मेरे को दे दिया है, और बच्चा एकदम ये है, मेरी जान है ये, खुश है। थोड़ा इसका भी छोटा लिप लीक ऑपरेशन हो गया पहले, लेकिन फिर भी ये अभी क्या कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है क्या? पढ़े हाँ, फोर्थ में। नाम कौन से स्कूल में जाते हो? केंद्रीय विद्यालय नाव संगपुर, नाव संग केंद्रीय विद्यालय मानपुर। ओके, तुझे पूर्ण नाव संग रजनीश कृष्ण दे। थोड़ा साउंड उसका थोड़ा सही है, लिप लिप ऑपरेशन हो गया है।